हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंगूर की किशमिश। जिसके लिए हमने ये अंगूर लिए हैं, देखिए कितने अच्छे अंगूर आ रहे हैं आजकल। तो इन सभी अंगूरों को हम निकाल निकाल कर अलग रख लेंगे। देखिए, अंगूरों को हमने अलग निकाल लिया है। अब हम इन्हें एक बाउल में डालकर और दो तीन बार पानी से अच्छे से धोएंगे, रगड़ रगड़ कर। हमने इसे दो तीन पानी से धो लिया है और ये अंगूर मीठे भी हैं। जब हम किशमिश बनाते हैं थोड़ा टेस्ट करके लाते हैं, और मीठे अंगूर होते हैं तो उसी की बनाते हैं। खट्टी किशमिश अच्छी नहीं लगती, और फिर जब किसी चीज में, दूध वाली चीज में डालो तो उसमें फटने का भी डर लगता है। तो अब ये अंगूर तो हमने धो लिए हैं। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक ऐसी छलनी लेंगे, इस तरीके से रखकर इन सभी अंगूरों को इसमें फैला देंगे। इस तरीके से फैला देंगे और इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, अंगूरों का कलर बदल गया है और अंगूर हमारे हो गए हैं। देखिए, अंगूर हमारे हो गए हैं। अब हम इन्हें इस तरह से एक कपड़ा लगा लिया है मैंने एक प्लेट में, और इन सभी को हम इसमें निकाल देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, बस एक दिन की धूप में ये किशमिश बन के तैयार हो जाएंगी। देखिए, इन सभी, मैं अभी से किशमिश बोल रही हूँ, इन सभी अंगूरों को निकाल के हमने इसमें रख दिया है हाँपने से। अब हम इसे धूप में रख देंगे, और कैड़ी धूप में ये एक दिन में ही हो जाएंगी, और अगर थोड़ी रह भी जाएंगी तो फिर हम अगले दिन फिर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी किशमिश बन चुकी है। ये इसे सुखाने में हमें 2 दिन लगे। 2 दिन में ही हमारी बिल्कुल सूख गई है। ज्यादा धूप में रखने की जरूरत नहीं, अंदर रखने से ही सूख जाती है। धूप हो तो धूप दिखा दीजिए, नहीं तो ऐसे भी पंखे के नीचे रखने से सूख जाती हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी किशमिश बनी है। क्योंकि ये बड़े और लंबे वाले अंगूर थे, इसलिए लंबी किशमिश बनी है और मीठे भी काफ़ी हैं। और इसी तरीके से आप भी बनाइए जैसे मैंने बनाई है। घर की बनी किशमिश में कोई पाउडर वगैरह भी नहीं लगा होता है। और मेरे चैनल फ्लेवर बाय दाशी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे अपना सहयोग देते रहिए। राधे राधे जी, धन्यवाद।